यार यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे अभी टायर की अलाइनमेंट हो रही है, जब दोनों साइड से ही 0-0 हो जाता है तो अब इसकी अलाइनमेंट सही होती है, इस पे वेट्स ऐड ऑन किए जाते हैं। अब आगे आपको दिखाते हैं और टायर्स की, तो ये अभी दूसरा टायर भी हो रहा था एंड ये एक ज़मीन पे पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी हो गई अलाइनमेंट, वेट शेड लग गया है इस पे। तो जब ये दूसरा वाला हो जाएगा इसके भी, इसको भी हम गाड़ी में लगा देंगे एंड ये भी अब आप देख सकते हैं दोनों साइड इसकी 0 हो गई, तब ये ओपन हो रहा है। तो ये ज़रूरी होता है मतलब उस अलाइनमेंट के लिए, फिर गाड़ी स्टेबल जाती है, वाइब मतलब हिलती नहीं है ज़्यादा। तो अभी आप देख सकते हैं वो राइट फ्रंट टायर जैक से उठा रहे हैं, उसके बाद उसकी अलाइनमेंट कराएंगे, फिर पीछे वाली की कराएंगे, तो अलाइनमेंट तो हो जाएगी गाड़ी की, साथ साथ बैलेंसिंग भी हो जाएगी। इसके बाद फिर गाड़ी का जो बाकी काम रहता है वो करेंगे और होपफुली इसके बाद गाड़ी ड्राइव में बहुत स्मूथ होगी, क्योंकि जब आपके टायर बैलेंस नहीं होते तो गाड़ी मतलब वो टायरों का वो नहीं होता ना, कैलिब्रेशन नहीं होती तो वाइब्रेशन होती है गाड़ी के अंदर। इसके बाद फिर वाइब्रेशन नहीं होगी, ख़त्म हो जाएगी। तो भाई अभी इसके हम तो जा रहे हैं दो लगा टायर ये वाले रहते हैं, वो वाले हो गए हैं और इसके बाद इसकी अलाइनमेंट हो जाएगी, फिर इसका इलेक्ट्रिकल काम है वो कराना है। साथ भाई भी आ गए थे। आज कैसे इधर तैयार हो क्या? नहीं यार मैं कहीं मुंह उठा के आ गया। अच्छा जरा रहा आज जैकेट नहीं पहनी तुमने। चले यार थोड़ी देर में आपको पे दिखाते हैं जरा, साथ भाई फ्रेश हो जाए। तो यार अभी इस गाड़ी का हम व्हील अलाइनमेंट करने के लिए आए हैं, ये दो टायर अभी होने वाले हैं, ये वाला और वो वाला, और वो दो साइड वाले हो गए हैं। तो इसके बाद इसका एक इलेक्ट्रिकल काम है वो मैंने करना है, क्योंकि इसकी जो ये पार्किंग मैंने की थी ये वो वाली बैक वाली नीचे से भी हेडलाइट्स ऑन होती है इसकी, तो पता नहीं कोई फ्यूज श्यूज उड़ गया होगा तो उसको भी सेट करते हैं। तो बस अलाइनमेंट वो हो जाए, ड्राइव बड़ी अच्छी हो जाएगी, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल काम करवाएंगे, फिर साथ भी साथ बैठते हैं थोड़ी गपशप मारते हैं, आपको भी दिखाते हैं फिर। तो यार अभी आप देख सकते हैं बस ये अब बैलेंसिंग एंड अलाइनमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी, अब इसके बाद ये इसको टेस्ट करेंगे एंड होपफुली गाड़ी सही होगी, तो उसके बाद हम ले जाएंगे F10 और वहाँ पे इसका जो काम रहता है वो कराना है। तो अभी जल्दी देखते हैं यहाँ से फारे हो जाए तो फिर हम चलते हैं F10। तो यार यहाँ पे साथ भाई भी हैं, साथ भाई यहाँ पे आना कैसा हुआ? बस आपका प्यार है जो हमें इधर खींच लाता है बाहर, और तो मैं अपने घर से जीत है ना। हाँ ना, और कोई प्लान है इसके बाद? बस आप बताओ जैसा आप कहोगे वैसा कर लेंगे। यार इसके बाद वो गाड़ी का वो भी कराना था, वो इलेक्ट्रिकल थोड़ा काम है। कौन सा वाला? उसकी वो पार्किंग लाइट्स नहीं ऑन हो रही, वो भी करवा लेंगे। वो आ गई, उसके बाद वो चाय पीते हैं, चाय शाय पीते हैं, थोड़ी गपशप लगाते हैं। यार गाड़ी तो आ गई है, अब उसके बाद हम चाय शाय पीते हैं। ये किसकी गाड़ी है? किसकी है? हमारी है, MK। तो बस फिर चले इसके बाद। ओके। तो यार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो गाड़ी की अलाइनमेंट और बैलेंसिंग दोनों हो गई है, और टेस्ट में भी गाड़ी बहुत स्मूथ थी, मतलब इन्होंने जब टेस्ट की गाड़ी बहुत सॉफ्ट हो गई थी, पहले जैसी थी उससे बहुत सॉफ्ट हो गई है। अभी बस व्हील कप्स के रिम्स के वो कवर लगाने हैं और इसके बाद हम चलते हैं। फिर ये इसके वो थे BBS वाले कवर से वो लग जाए तो फिर हम चलते हैं। इसकी अलाइनमेंट तो हो गई है और अभी इसका इलेक्ट्रिकल काम है वो चेक कराना है, तो अभी उधर चलते हैं। गाड़ी को मैं रिवर्स कर लेता हूँ एंड देन फिर उसके बाद बैठ के साथ ही साथ चाय शाय पीते हैं, AC ऑन कर ली, गर्मी बहुत है। तो आगे से गाड़ी मोड़ लेंगे हम, होपफुली आपको आवाज़ आ रही होगी। आगे से खैर अभी F10 चलते हैं, वहाँ पे इसका काम कराते हैं गाड़ी का, बाकी अलाइनमेंट के बाद गाड़ी बहुत सॉफ्ट हो गई है, क्योंकि पहले जब यार ये 110 से ऊपर जाती थी तो गाड़ी की वो नहीं है वाइब्रेशन होती थी, स्टेयरिंग भी इसका हिलता था, तो अभी गाड़ी स्मूथ हो गई है। लॉन्ग पे इसको चेक करते हैं, बट उन्होंने टेस्ट कर लिया है सही होगी, तो फिर F10 जाके मिलते हैं, कोई इसका काम शाम कराएं कि उसके बाद पार्किंग के टाइम इसकी जो लाइट्स है ना वो अच्छी लगी, अच्छी क्या बल्कि ऑन ही नहीं होती फिलहाल। तो चलते हैं पहले उधर और
यार सीट बेल्ट लगा लेते हैं यार, बड़ा इम्पोर्टेंट है। वैसे इसमें फ्यूल है नहीं, अभी मैंने एसी लगाया हुआ है तो खैर ही करे फिर। तो यार अभी हम F10 पहुंच गए हैं और यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिशियन को मैं ढूंढ के लाता हूँ कि इसकी ये लाइटें सही हो जाए, फ्रंट बैक वाली, ये पार्किंग और पीछे वाली, तो फिर इसकी जब वो लाइटें हैं ना वो सही हो जाएंगी। तो अब हम उसको ढूंढ के लाते हैं। तो अभी भाई इसकी ये बैक लाइट्स का काम करवाना है, फिर वो फ्रंट वाली करवाना है। तो साथ भाई आपको क्या मसला लग रहा है इसमें? फ्यूज़ में मसला है। फ्यूज़ में मसला है तो इसके भाई बल्ब फिर निकाल दिए, निकाल लिया, फ्यूज़ चेक करेंगे। तो इसका वो लड़का अभी फ्यूज़ चेक करेगा, टेस्ट पे सारे होपफुली इसकी मस्त है, बस तो ठीक है इसके। और इसके बाद क्या प्लान है फिर? बस देखते हैं यार, अभी आपका मूड बड़ा डाउन डाउन लग रहा है। प्लान तो देख लेंगे। चले सही है यार, इसका काम होता है फिर हम आपको दिखाते हैं। तो इसकी ये वाली लाइट और ये वाली लाइट ऑन हो जाए तो फिर इसका मज़ा आएगा। तो जैसे वो टेस्टर पर टेस्ट हो जाए फिर आपको बताते हैं। अच्छा तो यार यहाँ पे अभी इसकी वो फ्यूज़ वायरिंग चेक कर रहे थे कि वायरिंग में कोई शॉर्ट तो नहीं है या इसको कोई फ्यूज़ तो नहीं उड़ा हुआ, क्योंकि इसकी फ्रंट और बैक लाइटें कोई ऑन नहीं हो रही, सिर्फ मेन हेडलैम्प ऑन हो रही है, बाकी साइड वाली बैक वाली कोई ऑन नहीं हो रही थी। तो अभी इसके फ्यूज़ बॉक्स देख रहे हैं कि इसमें कोई फ्यूज़ तो ख़राब नहीं हुआ, वायरिंग सही है कि नहीं सही, अगर वायरिंग में कोई मसला है तो उसको ठीक कराएं। तो फिलहाल तो ये देख रहे हैं कि क्या क्या इशू है इस गाड़ी में, मतलब वायर ख़राब है कि फ्यूज़ उड़ा हुआ है, क्या चीज़ है यहाँ पे। यार हो सकता है ये म्यूजिक सिस्टम की वजह से शॉर्ट आया हो, तो वो भी चेक कर रहा था कि ये क्यों काम नहीं कर रहा, तो यहाँ से भी अंदर से भी चेक कर रहा है कि वायर शायद तो कोई इसकी ख़राब नहीं हुई यहाँ से अंदर से। तो यार भाई ये इसकी ये लाइटिंग हमने सेट करा दी, अब ये लाइट ये बैक वाली ऑन हो गई है, अब इसका काम ऑलमोस्ट हो गया। और किधर के साथ भाई, साथ किधर क्यों छुप रहे हैं यार? छुप ही रहा, व्लॉग एंड करना चाहिए बाद में ही, अभी नहीं एंड करें। जी जी सफर बोले खुराक पर जूस। अच्छा चलिए बस ये काम हो जाए, इसके बाद हम जाते कोई ठंडा ठंडा जूस पीते हैं, उसके बाद फिर व्लॉग को एंड कर देंगे। चले यार यहाँ पे हम ब्लॉग को एंड करते हैं, क्योंकि गाड़ी का जो काम था वो अलाइनमेंट वाला भी हो गया, इलेक्ट्रिकल भी हो गया। और बस हम यहाँ पे आए थे मैकडॉनल्ड, यहाँ से हमने आइसक्रीम खाई है और बस ब्लॉग एंड करने लगे। तो साथ भाई क्या कहना चाहते हैं फिर? बस मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें। तो फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।